सपनों का अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी, कालांतर में अजमेर पिछड़ता गया, भिलवाड़ा वस्त्रनगरी बन गया, जोधपुर। अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी चाचावास पुष्कर बाईपास अजमेर। सर हमारा अजमेर, अजमेर जो बाल कृष्ण जी का अजमेर बाल कृष्ण जी कॉल के सपनों का अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी, कालांतर में अजमेर पिछड़ता गया, भिलवाड़ा वस्त्रनगरी बन गया, जोधपुर हमसे आगे निकल गया, कोटा एजुकेशन हब हो गया। अजमेर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि आया तो उसकी सीमाएं थी, किसी ने अजमेर की जनता का नहीं सोचा। पानी 76, 96 और 108 घंटे में आ रहा है। इसके अलावा सड़कों का हम मैं नहीं कहूँगा, समस्त मीडिया और अजमेर के निवासी सड़कों का हाल जानते हैं। हर क्षेत्र में अजमेर पिछड़ रहा था, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आगे आने की ज़रूरत थी, जो अपने राजनीतिक पार्टियों के दबाव से ऊपर उठकर काम करना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि 36 कौम और सबका दबाव, सबके सहमति से और जनता के टिकट के ऊपर नामांकन दाखिल करने आया हूँ। मैं घर से सुबह निकला था 8 बजे, एक जीप में 4 मित्रों के साथ निकला था और 6 किलोमीटर कारवा लंबा मुझे मिला रास्ते में। 6 किलोमीटर लंबे कारवे के साथ मैं यहाँ नामांकन भरने आया हूँ। पूरे कपड़े आप जैसे हैं कि ये कोई खरीदी हुई मालाएँ नहीं पहनी है या प्रायोजित माला नहीं पहनी है, ये अजमेर की जनता ने कई जगह जाम लगाए हैं 2-2 घंटे के आज दिन में, और ये मालाओं का जो रंग उतरा ना, ये सब अजमेर की जनता का दिलों से दिया हुआ रंग है और ये रंग रंग लाएगा। मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मैं किस मुद्दों पर काम करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मैं 3 बार नगर निगम अजमेर में स्थानीय निकाय चुनाव के सर्वाधिक मतों से विजय, मेरी जनता ने मुझे वार्ड के स्वजनों ने मुझे भेजा था, उसकी रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। बस फ़र्क इतना सा है कि एक वार्ड का काम करता था और अब मुझे थोड़े से ज़्यादा अपना विस्तार करना पड़ेगा। चारों तरफ 37 वार्ड और जो गाँव हमारे हैं संपूर्ण उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सभी स्वजन मौजूद हैं और एक बड़े परिजनों की टीम हर वार्ड और बूथ स्तर पर है, जो शायद मुझे भी ध्यान नहीं है। मैं जब लिखने बैठा था योजना के हिसाब से प्रति बूथ 15 आदमी, लेकिन जब मैं मौके के ऊपर गया तो मैंने कहा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे पैमाने मेरे स्वजन और मेरे साथी तोड़ने वाले हैं कि संख्या क्या रहने वाली है। बहुत बढ़िया सर, जनता में अजमेर के अंदर जो अजमेर का विकास है, विकास और अजमेर की जो पानी और मूलभूत सुविधाएं है ना, उनके उनसे त्रस्त है, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आऊँगा, ऐसा कोई नया नहीं है। और अजमेर विधायक को कोई नया वादा कर अपने बीच का जो कोई नेता या प्रतिनिधि होता है उसको वादा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, उसको एक काम को सभी काम करते हैं लेकिन अलग तरीके से काम करने का अंदाज होना चाहिए, अच्छे से काम करना होना चाहिए। विधायक या एक जनप्रतिनिधि के पास में अगर उसका मैं पार्षद और मूल काम मेरा सड़क नाली और सफाई है या स्ट्रीट लाइट बन रहा है, उसके लिए अगर कोई नगर निगम में मेरे वार्ड का कर्मचारी निवासी भटकता है तो मेरे लिए विडंबना का विषय है, मेरे लिए खेद का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करूँगा अच्छा करूँगा और आप सबके मिलकर, अपन हम सब मिलकर करेंगे, एक अकेला आदमी कोई चला वो नहीं कर सकता है, लेकिन मिलकर ही करेंगे और अच्छा करेंगे। ज्ञान जी आप क्षमा करना, कोई बात नहीं। आप दो बात थी, एक बात थी कि हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था, मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने 30वीं बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है।
दूसरा विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक मैं मेरे जो कई बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे, तो मैं खड़ा हुआ हूँ। खड़ा नहीं हुआ था मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया अब वो 25 तारीख के बाद चुनाव के बाद ही बैठेंगे, और अब अजमेर की जनता को तय करना है कि मेरे खड़े रहने में कुछ नया होता है।